सोनाली फोगाट की मौत का मामला गहराता जा रहा है। इस मामले में पहले हार्ट अटैक की बात हुई थी, फिर सोनाली के परिवार ने सुधीर पर शक जाहिर किया और अब शुक्रवार को गोवा पुलिस ने ड्रग्स थ्योरी को हवा दे दी है। इस मामले में कई पहलू सामने आ गए हैं। सबसे बड़ा एंगल तो ड्रग्स का ही चल रहा है, क्योंकि गोवा पुलिस के मुताबिक सुधीर ने सोनाली फोगाट को जबरदस्ती कोई ड्रिंक दी थी जिसमें शायद MDMA मिला था। अब उस ड्रग्स थ्योरी के बाद गुरुग्राम के फ्लैट नंबर 901 ने भी इस मामले को उलझा दिया है। फ्लैट नंबर 901 की कहानी बताया जा रहा है कि सोनाली फोगाट ने गुरुग्राम में एक फ्लैट रेंट पर लिया था। वो फ्लैट उन्होंने सुधीर सांगवान के साथ मिलकर लिया था। गुरुग्राम के सेक्टर 102 में ये फ्लैट लिया गया था। सूत्रों की माने तो सुधीर सांगवान ने जब ये फ्लैट रेंट पर लिया था तो वहां रह रहे लोगों को ये बताया कि सोनाली फोगाट उनकी पत्नी है। बाकायदा एक पुलिस वेरिफिकेशन भी करवाया गया था। बड़ी बात यह है कि इस फ्लैट में सोनाली फोगाट गोवा जाने से पहले भी गई थी। खबर है कि गोवा जाने से पहले सोनाली फोगाट और सुधीर सांगवान गुरुग्राम की इस सोसाइटी में आए थे और यहां अपनी सफारी गाड़ी खड़ी करके फिर टैक्सी से एयरपोर्ट गए थे। अभी पुलिस इस पहलू पर ज्यादा कुछ बोलने से बच रही है और सच जानने का प्रयास जारी है। IG ओमवीर सिंह बिश्नोई ने यह भी जानकारी दी है कि सोनाली फोगाट को जबरदस्ती ड्रग्स पिलाया गया जिसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई। सुबह 4:30 बजे जब वो कंट्रोल में नहीं थी तो आरोपी उसे शौचालय में ले गया। 2 घंटे तक उन्होंने क्या किया इसका आरोपियों ने जवाब नहीं दिया। हमने सारे CCTV फुटेज देखे और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। CCTV फुटेज ने खोले कई राज। खबर थी कि गोवा पुलिस ने एक CCTV फुटेज जब्त किया है, उसमें सुधीर बोतल में सोनाली को कुछ पिलाता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन TikTok स्टार बार बार उसे रोक रही हैं। वो पदार्थ पीने से बच रही हैं। अब पुलिस को शक है कि ये पदार्थ MDMA ड्रग है जो सोनाली को दिया जा रहा है। इस बात की पुष्टि करने के लिए केमिकल जांच करवाने की बात कही जा रही है।